Very good. First chapter, that is power sharing. I will speak a word and you have to recognize with which it is associated. Check and balance. Is it horizontal or vertical? It is check and balance. Horizontal. Very good. Horizontal ka matlab kya hota hai? Powers are divided between three. Isme legislature, executive and ये है हॉरिजॉन्टल. जब लाइन ऐसे होती है चेक एंड बैलेंस क्यों कहते हैं? ईच ऑर्गन हैज इक्वल पावर बट दे कैन चेक ईच अदर आल्सो. लेजिस्लेचर एमपी जो है कैसे चेक कर सकते हैं? एमपी जो है वो नो अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के द्वारा जो एग्जेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर जो है उनको उनकी पोस्ट से रिमूव करवा सकते हैं. ठीक है. देन जजेस जो हैं चाहे पीएम है चाहे लेजिस्लेचर है, ठीक है, उनके लिए दोनों बराबर. दे कांट मिस यूज देयर पावर्स. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न जो भी रिटर्न है उसको जुडिशरी इंटरप्रेट करती है. देन इसके बाद अगर जजेस कुछ भी गलत करेंगे दीज विल बी इम्पीचमेंट. ठीक है. इनकी इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन के द्वारा इनको लोकसभा जो है वो क्या कर सकती है? दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट. सो इट मींस वी कैन से दैट चेक एंड बैलेंस एसोसिएटेड विद द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. सिविल वॉर. सिविल वॉर क्या मतलब है इसका? सिचुएशन व्हेन अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री. एक ही कंट्री के अंदर जब अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कोई वॉर होती है दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर. ओके. नाउ रिकॉग्नाइज मैं स्टेटमेंट बोल रही हूं आपको. व्हेन द अलायंस ऑफ टू और मोर पार्टीज गेट्स इलेक्टेड एंड फॉर्म्स अ गवर्नमेंट इट इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको? कोलिजन गवर्नमेंट. ठीक है. अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू लैंग्वेज कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर. जब एक ही कंट्री में डिवीजन को कल्चर के अलग 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 कर दिया जाता है इस डिवीजन को क्या बोलते हैं? एथनिक कॉम्पोजिशन. एथनिक बोलते हैं इसको. व्हेन पावर्स आर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड यूनिटी और फेडरल. फेडरल. व्हेन पावर्स आर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स That is called horizontal or vertical. Vertical. Level. Central, state, local. ठीक है. Okay. Tamil native ध्यान से सोचो कि इसको क्या बोलते हैं. Tamil natives of Sri Lanka. These are called. ये कौन है? ये Indian Tamil है कि श्रीलंकन तमिल है? हाँ. नेटिव्स का मतलब होता है जो वहां के सिटीजन्स को. नेटिव नेटिव मतलब श्रीलंकन तमिल्स. और द तमिल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल ये कौन है? ये श्रीलंकन है कि इंडियन? इंडियन तमिल्स. ठीक है. अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री दैट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियन भी कह सकते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म भी कह सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विच इन्वॉल्व द हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड वर्टिकल. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज डैश सिटी वॉज चूजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन ब्रसल. अगेन आई एम रिपीटिंग आपकी बुक में फोटो है उसमें यूरोपियन यूनियन की फोटो है और ये दिखाया गया है कि ब्रसल जो है वो बेस्ट एकोमोडेशन पाथ माना गया है यूरोप का. तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई? ब्रसल. पिक्चर है आपकी बुक में. मैं बार बार कह रही हूँ पिक्चर की इलेबोरेशन अच्छी तरह से याद करो. अगेन आई एम रिपीटिंग डैश सिटी वॉज चूजन एज अ हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन दैट इज ब्रसल. In 1956, Act was passed to recognize Dash as the only official language, Sinhala. Between 1970 and 1993,
बेल्जियम अमेंडेड इट्स डैश फॉर फोर टाइम्स, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन नेम द कम्युनिटी विच रिसेंटेड, रिसेंट का मतलब जिसने अपोज किया द डोमिनेशन इन द बेल्जियम, नंबर वन बेलोनिया, नंबर टू जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, नंबर थ्री डच स्पीकिंग कम्युनिटी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी। व्हाट परसेंटेज ऑफ बेल्जियम पॉपुलेशन लिव इन फ्लेमिश, 40, 30, 59 और 50? 59. बिटवीन 1970 एंड डैश बेल्जियम अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स, 1993. द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज द पावर रिगार्डिंग, ऑप्शंस को अच्छी तरह से सुनो पहले, कल्चरल इशू, एजुकेशनल इशू, लैंग्वेज इशू और ऑल, ऑल तीनों ही इशू से रिलेटेड इस गवर्नमेंट को पावर दी गई। थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम अपार्ट फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। डैश फॉर्म्स अलो गवर्नमेंट टू इग्नोर इंटरेस्ट स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, इज इट मोनार्की और मेजोरिटेरियनिज्म? मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ डैश, यस, इज इट केरला और तमिलनाडु? तमिलनाडु। डैश पावर शेयरिंग एंश्योर स्टेबिलिटी, रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन गेन एंड लॉस, इज इट प्रूडेंशियल और मॉरल? प्रूडेंशियल। इन द डैश टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच वॉज मोर एक्यूट, इज इट वेलोनिया और ब्रसल? ब्रसल। श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द एरियाज ऑफ, इज इट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट? नॉर्थ ईस्ट। विच फॉर्म ऑफ पावर इज शेयरिंग इज एट द डिफरेंट ऑर्गन्स, इज इट पहले ऑप्शन सुनो, इज इट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज? हॉरिजॉन्टल। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द डैश तमिल स्पीकिंग, बुद्धिस्ट, बोथ सिन्हाला एंड तमिल और सिन्हाला? सिन्हाला। द सिस्टम इन विच जुडिशरी कैन चेक द एग्जीक्यूटिव, इट इज कॉल्ड वर्टिकल, मनी एंड बैलेंस, लेजिस्लेचर और चेक एंड बैलेंस? चेक एंड बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ अकोमोडेशन एंड पावर शेयरिंग? श्रीलंका, बेल्जियम, पाकिस्तान और नेपाल? इट इज बेल्जियम। एम्पावरिंग विलेज पंचायत इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेक एंड बैलेंस, कम्युनिटी गवर्नमेंट और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इट रिप्रेजेंट्स सेम आइडियोलॉजी, डिफरेंट कैंडिडेट्स और डिफरेंट आइडियोलॉजीज? डिफरेंट आइडियोलॉजीज। व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट? आई एम स्पीकिंग फोर स्टेटमेंट्स। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। Power shared by different social group is called, is it federal, is it collision, is it unitary or is it community government? It is community government. अब हम चेक करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, वन बाय वन। ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट ऑल फॉर वन मिनट, देखते किसका आंसर पहले आता है। When power is divided between federal, state, you will not speak often, students. When power is divided between the federal, state and local government, it is called vertical decentralization. Vertical.
इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन फेडरल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे दिया हुआ है। लाइक आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स मीन्स ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द पावर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, ऑल द पावर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इट मीन्स इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। यस, विच कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर इन बेल्जियम? Is it French speaking? Is it Belgium speaking? Is it Dutch speaking or all of these? Ma'am, question repeat करना? All of these का मतलब हमेशा नहीं होता कि all of these ही हो. Again, I'm repeating. Which community got the benefit of economic development and education much later in Belgium? Options are: is it French speaking? Is it Belgium speaking? Is it Dutch speaking or is it all of these? I'm Dutch speaking. Dutch speaking. Okay. कई बार जरूरी नहीं होता कि अगर all of these हो तो हमेशा या none of the above हो तो सारे है ना? Okay. That is the Parliament of European Union. क्या आएगा इसका आंसर? अभी तो बताया था। अगर ऑप्शंस में बेल्जियम होगा, ऑप्शन में बेल्जियम होगा तो बेल्जियम आएगा ना। नेक्स्ट इज सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर डैश रिलीजन। सिन्हाला, हाँ वेरी गुड, बुद्धिस्ट। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल दीज आर, उनका मेन रिलीजन क्या था? बुद्धिस्ट। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948. The minority French speaking community was relatively, is it rich or is it poor? Rich. Again, I'm repeating. Rich. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. आप ये सोचो कि chapter को prepare कैसे हमने करना है? Chapter की reading. समझ आई? Chapter को reading अच्छी तरह से इसकी होगी ना, तो ही आपको हर लाइन का आंसर। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, फिलअप बेस्ड भी हो सकता है, मैच बेस्ड भी हो सकता है, टू स्टेटमेंट्स अजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड भी हो सकता है, एंड अरेंज द सीक्वेंस भी हो सकता है। नॉट इन हिस्ट्री, मे बी इन ज्योग्राफी को आएगी ना। उसके बाद नेक्स्ट है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट All the powers are under the control of central government. आपको पता है श्रीलंका में militant activities हुई थी तमिल्स की, तो ये एक वैसे form note करो, इसका full form है LTTE, जो है LTTE लिट्टे, तमिल्स की militant activity श्रीलंका में। ठीक है, many people they were killed by militants. ठीक है, ऑफ सिन्हाला जाल से। तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म लिखो, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ELAM। एलम क्या है? एलम स्टेट मिली नहीं उनको, दे जस्ट डिमांडेड, क्या डिमांड थी उनकी? दे जस्ट डिमांडेड दैट दे शुड बी गिवन सेपरेट एरिया फॉर तमिल्स, पर उनको डिमांड, उनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। So that's why many people were killed of both linguistic group, Tamils as well as Sinhalas. ये organization जो है, that is militant activity है, ये militant organization, लिट्टे इसको बोलते हैं, liberation of tiger of Tamil Alam, जिन्होंने Alam state चाहते थे लेकिन उनकी demand को follow नहीं किया था। हाँ जी, next chapter is federalism. अच्छा, अभी भी कई बच्चे ना लिस्ट में कंफ्यूज होते हो आप, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। सब्जेक्ट्स लिखो, नंबर 1 डिफेंस ऑफ द कंट्री, राइट डाउन।
यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जो भी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, ये सारी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में आती हैं। बैंकिंग, आरबीआई, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सारी सेंटर के अंडर है, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट सिर्फ किसका है? सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट का, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, वो इनको इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि सभी स्टेट्स के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाए जो पूरी कंट्री के लिए हो। नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ वही सब्जेक्ट आते हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, स्टेट की इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस, पुलिस, ट्रेड, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इरिगेशन, इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट सिर्फ किसको है? स्टेट गवर्नमेंट। दे आर फ्री टू टेक डिसीजंस। नेक्स्ट इज कंकरेंट। कंकरेंट जो लिस्ट होती है उसमें दोनों ही अपने अपने बेस के ऊपर लॉ बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट फॉलो किसको करेगी? सेंटर को। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी सेंटर गवर्नमेंट, लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो स्टेट भी उसको फॉलो करेगी। करिकुलम ही देख लो, आपका टेंथ का सिलेबस है, नो डाउट लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, लेकिन टेंथ का अगर आप पंजाब बोर्ड का सिलेबस देखोगे तो काफी हद तक वो मैथ साइंस जो है वो सेम ही होगा ना। तो कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड और ट्रेड यूनियन में क्या फर्क है? वो ट्रेड है व्यापार, ये ट्रेड यूनियन। यूनियन कौन होती है जो स्ट्राइक करती है? मैरिज, मैरिज के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, डिवोर्स, लाइक एडॉप्शन, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, सक्सेशन, प्रॉपर्टी राइट्स के सक्सेशन जो राइट्स होते हैं, सक्सेशन, SUCCESSION। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में तो दोनों में से किसका लॉ जो है उसको वेटेज मिलेगी? सेंटर को। इसीलिए हम कहते हैं हमारी कंट्री में नो डाउट चाहे सेंटर एंड स्टेट है, पर कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज मोर सुप्रीम। रेजिड्यूरी, रेजिड्यूरी एक वर्ड मैंने पढ़ा था ना, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है? नो डाउट फेडरल डिविजन्स हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर फेडरल, सेंटर और स्टेट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ओपिनियन किसकी मानी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिड्यूरी, रेजिड्यूरी में वो सारे लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों में नहीं आते, लेकिन इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है? सेंटर गवर्नमेंट। जैसे साइबर लॉज, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी, हाँ इट कैन बी चेंज, लेकिन ओनली बाय पासिंग बिल। वो डिपेंड करता है कि अगर लोकसभा में इसकी बिल पास होगा तभी, हाँ तो कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट बिल, बिल का मतलब क्या होता है कि इसको पहले कोई पर्सन रिकॉग्नाइज करे, 100 लोग माने, 545 में से अगर 100 लोग मान जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को चेंज कर दो, देन इसको प्रपोज किया जाएगा। प्रपोज का मतलब होता है बिल पास होगा पहले, पासिंग के लिए भी वो सारा प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर बिल कहाँ पास होगा? राज्यसभा में। राज्यसभा अगर उसको डिले भी कर सकती, डिले करने के बाद चेंजेस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट। देन एनी ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी चेंज। ठीक है, आगे आ जाओ। डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, कौन से ईयर में? 1992। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, क्या क्या चेंजेस किए गए इसमें? नंबर वन,
इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट इलेक्शंस. दिलप्रीत स्टैंड अप फॉर लोकल बॉडीज. दिलप्रीत जब मैं लोकल बॉडीज की बात करती हूँ तो लोकल बॉडीज में क्या क्या आता है? लोकल बॉडीज में आता है पंचायतें, पंचायतें एंड कॉरपोरेशंस. सीट्स विल बी रिजर्व फॉर विमेन एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस. अल्टीमेटली इसको लाने का मोटिव क्या था? एजेंट्स, मिडलमैन, जो मिडलमैन थे ना उनको रिमूव किया गया. पहले क्या होता था, किसी भी विलेज में पंच और सरपंच एक पर्टिकुलर 5 ईयर्स के लिए अपने आप को इलेक्ट करते थे और उसके बाद इलेक्शन ही नहीं होते थे. वो थ्रू आउट फैमिली अपने आप को पंच और सरपंच ही कहते थे. इलेक्शंस कभी होते थे कभी नहीं होते थे. वो एक तरह से मिडल मैन बन गए थे. मिडल मैन का मतलब क्या है कि उनकी पूरी अथॉरिटी होती थी. डेमोक्रेटिक खत्म सिस्टम तो था ही नहीं विलेज लेवल के ऊपर. लेकिन 1992 के बाद जो चेंजेस करवाए गए, इन चेंजेस में इलेक्शंस का करवाना कंपल्सरी कर दिया गया लोकल बॉडीज के लिए. इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन. किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इलेक्शंस करवाने की? स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस. जो इलेक्शन कमीशन था, हाँ तभी मैंने कहा ना 1992 के बाद चेंजेस आए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन दिया गया ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, स्टेट के अंदर इलेक्शन करवाने की, ताकि इलेक्शन कमीशन का बर्डन क्या हो जाए, इलेक्शन कमीशन का बर्डन जो है वो कम हो जाए. स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज. रेवेन्यू का मतलब टैक्स. कुछ टैक्स जो कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? लोकल बॉडीज को, ताकि उनके फाइनेंशियल जो सोर्सेज हैं, उनकी फाइनेंशियल जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए. सो दैट वॉज अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992. अच्छा, चेंजेस पहले और बाद में क्या फर्क था 1992 से पहले और 1992 के बाद? 1992 से पहले क्या था? इलेक्शंस वर नॉट रेगुलर. बट बाद में क्या हुआ? इलेक्शंस वर रेगुलर आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. पहले क्या था? सीट्स वर रिजर्व, नॉट रिजर्व फॉर वुमेन. लेकिन बाद में क्या हुआ? 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज. अब इसीलिए तभी तो वुमेन ज्यादा काउंसलर है. किसी भी एरिया में देख लो, वुमेन काउंसलर होंगी, वुमेन पंच भी हैं, वुमेन सरपंच भी हैं. तो इसका मतलब क्या है कि आगे से आगे 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया है ताकि वुमेन जो है लोकल लेवल के ऊपर ज्यादा पार्टिसिपेशन. अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का सक्सेस, सबसे ज्यादा सक्सेस होने का रीजन क्या है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है. डैश इज द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इज इट मेयर और बीडीओ? मेयर. डैश इज द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. अब ये ब्लॉक क्या होते हैं? विलेज को ग्रुप करके जो ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है. अच्छा, जिन बच्चों को अभी भी लैंग्वेज के रिलेटेड जो कह रहे हैं ना, एक लाइन नोट करो, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक. 22 लैंग्वेजेस रेकॉग्नाइज्ड, 22 लैंग्वेजेस रेकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. इनको कहा गया है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. कौन सी लिस्ट में है ये? एट्थ लिस्ट है. एट्थ शेड्यूल्ड में है ये. The Constitution provides use of English along with Hindi for official purpose. समझ आई? दोनों को underline करो. The Constitution of India provides the use of English along with Hindi for official purpose. इसका मतलब क्या है? पूरी country में English और Hindi दोनों में काम हो सकता है. Depend करता है department. लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, वहां पे मोस्टली काम किस पे होगा? पंजाब में. अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट में जाना है तो एटलीस्ट आपको पंजाबी आनी चाहिए ना. जैसे तहसील में जाते हो जब आप,
प्रॉपर्टी के इशू या कुछ है, तो हमें हमेशा देखा होगा कि जो एफिडेविट है या जो भी होता है वो पंजाबी में ज्यादा होता है, इंग्लिश में कम होता, पंजाबी में ज्यादा होता है। तो पंजाब में रहते तो पंजाबी कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए सो मेनी लैंग्वेजेस विल बी देयर। ओके, अगर आपकी लाइफ का एम है कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट जॉब करनी है तो पंजाबी कंपल्सरी, अगर आपकी लाइफ का एम है मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करनी है दैट नहीं, वो तो चलो ठीक है, मैं वैसे कह रही हूँ कोई कंपल्सरी, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं, यही तो मैं सिखा रही हूँ आपको। बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपने कोई भी पेपर देना है तो यू विल बी गिवन चॉइस ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस, 22 languages हैं, इसमें इंग्लिश कंपल्सरी होगी, लेकिन यू हैव टू चूज एनी वन आउट ऑफ 22। समझ आ रही है? उसमें 22 में हिंदी भी है और पंजाबी भी है, इधर यू कैन चूज हिंदी, इधर यू कैन चूज पंजाबी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया में रहते हो और हिंदी पंजाबी ना आती हो। चलो यही है, सपोज आप है ना ऑल इंडिया, हम ऐसी बात करते हैं, एग्जाम है एक, उसमें टोटल सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स हैं 100, आपने भी अप्लाई किया। सपोज एक साउथ इंडिया तमिलनाडु से कोई पर्सन है, उसने भी अप्लाई की है ना, तो आपने चूज किया इंग्लिश कंपलसरी है, उसके लिए भी इंग्लिश कंपलसरी। अब उसके पास 22 लिस्ट है, 22 में से वो अपनी स्टेट की जो लिस्ट है ना उसको टिक करेगा, आप किसको टिक करोगे? आपके पास तो दो ऑप्शन है, आप हिंदी को भी कर सकते हो, आप पंजाबी को भी कर सकते हो। नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, उनको हिंदी नहीं आती, दे हैव ऑप्शन ओनली देयर ओन लैंग्वेज, उनके पास तो अपनी मदर टंग की ऑप्शन है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए इसलिए पूरी कंट्री में लैंग्वेज के इशू को सॉल्व किया गया। क्लियर? समझ आए बच्चे? यस। अब और देखो, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क इन ईच स्टेट टेक्स प्लेस इन द लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। इसका मतलब है मोस्टली सभी स्टेट्स ने क्या किया हुआ है, अपनी मदर टंग को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू, कि प्रमोशन ऑफ हिंदी तो है, ये हिंदी दिवस मनाते हैं सभी स्टेट्स में, तो दैट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट कांट इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट। किसी भी स्टेट को जो है वो कंपल्सरी नहीं कहा गया कि वो हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में पीपल दे कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी, हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएसए कमिंग टूगेदर, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएसए कमिंग टूगेदर। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यूके, यूके है इसका राइट आंसर। यूके इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर। कमिंग टूगेदर पता क्या, कमिंग टूगेदर हमने इसलिए पढ़ा है ना, यूएसए क्यों कमिंग टूगेदर में है, क्योंकि अर्लियर यूएसए जो था दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के कंट्रोल में था, तो ब्रिटेन के कंट्रोल, व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन देन दीज एरियाज वर सेपरेट, दे कंबाइन देमसेल्फ नोइंगली, अपने आप को उन्होंने बनाया। यूके तो नोइंगली थोड़ी है, उसको तो इनकॉर्पोरेट किया गया। फेडरेशन का मतलब होता है इक्वल पावर्स, यूएसए में जितने भी एरियाज है सबकी इक्वल पावर्स है, पर यूके में ऐसा नहीं। सेम ऑस्ट्रेलिया एंड सेम ही स्विट्जरलैंड है, इनके अलग अलग एरियाज हैं। ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड में कहते हैं, आई थिंक इनको स्विट्जरलैंड के हैं डचेस और ऑस्ट्रेलिया के हैं कैंटन्स, ये कुछ देख लेना बुक में, अलग अलग एरियाज हैं, फेडरल एरियाज। जैसे हमारे इंडिया को स्टेट्स कहते हैं, ऐसे ही स्विट्जरलैंड के जो फेडरल एरियाज हैं आई थिंक उनको डचेस और कैंटन्स, सेम ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे स्विट्जरलैंड के जो एरियाज हैं इनको क्या बोलते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के जो हैं इनको क्या बोलते हैं? डचेस और कैंटन्स। कैंटन्स, कैंटन्स भी कहते हैं, डचेस भी कहते हैं।
जैसे हमारी कंट्री में इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, इन दीज कंट्रीज जो फेडरल एरियाज हैं उनको डचीज और कैंटन्स कहते हैं. क्लियर? एनी डाउट? नो मैम. ओके, नाउ टाइम इज ओवर, 12:15.